नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार अपने वायदों के अनुसार आने वाले समय में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा देने जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा विधानसभा सत्र के पहले दिन उमर अब्दुल्ला की सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए इस बात की उन्होंने जानकारी दी। मुफ्त बिजली का ये तोहफा सभी कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा बल्कि योग्य कंज्यूमर को दिया जाएगा। अगर इस योजना का लाभ बीपीएल कंज्यूमर्स को मिलता है तो बिजली निगम के 22 लाख कंज्यूमर में से 6.53 लाख बीपीएल कंज्यूमर इसके हकदार होंगे। जम्मू कश्मीर में नवी कक्षा तक की परीक्षाएं दिसंबर महीने में होगी। सरकार ने हाल ही में नवंबर दिसंबर के एकेडमिक सेशन को बहाल करने की घोषणा की थी। पहले ये असमंजस बना हुआ था कि परीक्षाएं नवंबर में होंगी या दिसंबर में, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से कहा गया है कि उन्हें ठंड के मौसम में घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्रों में हीटिंग की पर्याप्त प्रबंध किए जा रहेंगे। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू ने कहा कि अगले साल 10वीं और 12वीं के एकेडमिक सेशन को भी नवंबर दिसंबर में लाया जाएगा। विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी पशुपेश और कंफ्यूज की स्थिति में है। हालांकि जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने इसका पुरजोर विरोध किया था। अब आजाद कांग्रेस पार्टी में नहीं है और पार्टी सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं करती, पर ये जरूर कहती है कि अनुच्छेद 370 को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाया गया। कांग्रेस इसकी वापसी की बात नहीं करती, वो इस मुद्दे से दूरी बनाए रखने का प्रयास करती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी या अन्य कांग्रेस नेताओं ने आर्टिकल 370 का जिक्र तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि यदि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण को अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं होती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शोक संदेश के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वाजपेयी 1999 में पहली दिल्ली लाहौर बस से पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान का दौरा किया था और ये करना आसान नहीं था। वाजपेयी जी कहते थे कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने असफलताओं का सामना करने के बावजूद बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हंदवाड़ा के बोगाम चोगुल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आज हंदवाड़ा पुलिस ने 22 आरआर और 92 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलकर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आशिक हुसैन निवासी तुज्जर शरीफ सोपुर को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 7 जिंदा राउंड्स बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस थाना हंदवाड़ा ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जहीर और जमीर ने आज पहली बार जम्मू और कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई देखी। ये दोनों पेशे से वकील हैं। ये दोनों उमर अब्दुल्ला और उनकी पूर्व पत्नी पायल नाथ के बेटे हैं। जहीर और जमीर अब्दुल्ला विधानसभा परिसर में पहुंचे और वहां शोक प्रस्तावों के दौरान कार्रवाई देखी। वो उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर अहमद वानी के साथ बैठे नजर आए।